Hey guys, namaste. It's your Kalash. So guys, जो मेरा intro था मैंने उसमें किए थोड़े changes. आप एक बार जाके देखो मेरा intro. Hey guys, namaste. It's your Kalash. Guys, I hope आपको मेरा intro पसंद आ ही गया होगा. आज की वीडियो में हम जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी जगह जहाँ पे healthiest पिज्जा मिलता है. मतलब बहुत सारी variety है उस पिज्जा की. एंड गाइस वो पिज्जा बना हुआ है मूंग दाल से. ठीक है, मैंने खुद पहली बार सुना है मूंग दाल का पिज्जा. तो चलो देखते हैं मूंग दाल का पिज्जा कैसा होता है, उसमें क्या क्या वैरायटी है. जैसा कि मैंने सुना है कि उसमें बहुत सारी वैरायटी है मूंग दाल के पिज्जा में, चीज बर्स्ट, मार्गरिटा एंड मतलब बहुत सारी वैरायटी है. सो चलो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ से लूंगा मेट्रो. ओके, एंड आईटीओ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पे उतर के वॉक अवे का रास्ता है, वहां से जाएंगे हम. सो Enjoy the vlog. So let's continue. Money get it? Yeah, banana or something, Baba. Yeah, Nandi Rai get it. सो गाइस सामने है आईटीओ का गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन एंड बिल्कुल यहाँ से वॉक अवे पे ही है मूंग दाल का पिज्जा. मतलब एक अंकल है, मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे. कैसे वो बहुत ही वैरायटी है उस पिज्जा की. जैसे कि वहाँ पे आप चौक देख रहे हैं उसके पास ही है कहीं पे. आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. एंड उधर है उनकी शॉप मूंग दाल का पिज्जा. गाइस मूंग दाल का जो पिज्जा है उसका बेस कैसा होगा, मतलब सोच के इतना अजीब सा लग रहा है. सुना ही पहली बार है मूंग दाल का पिज्जा. चलो ट्राई करते हैं. मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आए हैं आज. मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं आया. उनको जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मेरे को भी फॉलो करो. मेरा आपको लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा. बाकी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. जैसे कि आप देख सकते हो ये चौक है. ठीक है, यहाँ पे है ये तरुण अंकल की शॉप. ठीक है, ये बनाते हैं मूंग दाल का पिज्जा. बस अभी थोड़ा सा रश है, थोड़ा खाली हो जाए फिर हम ट्राई करते हैं. तो अंकल आपको इस मूंग दाल पिज्जा का आइडिया कहाँ से आया? सर मुझे घर पे बनाने खाने का शौक था. ओके, पिज्जा बनाते थे, धीरे धीरे पिज्जे में इन्वेंशन कर दिया. अच्छा, तो आप आपको कितनी वैरायटीज हैं इसमें? मेरे पास 8 वैरायटी हैं. प्लेन है, स्टफ्ड है, चीज है, डबल चीज है, चीज बर्स्ट है, चॉकलेट है. ओके, तो और आपने स्टार्ट कब किया था ये? 2014 फर्स्ट अप्रैल. मीन्स आपको 5 ईयर्स हो गए इस काम में. ओके, और आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इसका? सबो कृपा. अंकल यहाँ पे 7 तवे रखे हुए हैं सिर्फ पिज्जा बनाने के लिए. ठीक है, तो अंकल आप जितने भी पिज्जा वगैरह बनाते हो सब कुछ बनाओ, सब कुछ अमूल बटर वगैरह में बनाते? यस सर, टोटल अमूल बटर, अमूल चीज, अमूल चॉकलेट. ओके, एंड इनके प्राइस रेट वगैरह क्या है? जैसे सर प्लेन पिज्जा 50 का है, स्टफिंग 70 का है, स्टफ विद चीज 100 का है. ओके, चीज 120, चीज बर्स्ट 150, चॉकलेट 150. ओके अंकल, तो मेरे लिए आप एक स्टफ चीज पिज्जा बना दो. देख सकते हो कितनी भीड़ है पीछे. ठीक है, सो मैंने ऑर्डर किया है स्टफ चीज पिज्जा. सो मैं आपको दिखाता हूँ पिज्जा की मेकिंग. Yeah.
आपको टेस्ट का? बढ़िया, अब आप भी ट्राई करो। ये कैसा पिज्जा गाइस, तो बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे मसालों के फ्लेवर हैं, मतलब बहुत ही क्रिस्पी है, चीजी है, ठीक है। एक तो हमने डबल चीज बनवाया था, चीजी है और स्टफ भी है, सो आई सजेस्ट यू कि आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो ITO मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 से वॉकअवे का रास्ता है, बाकी आपको गूगल लोकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो और विजिट करो। तो गाइस कुछ भी बोलो, मेरे को तो पिज्जा एक नंबर लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। अंकल थैंक यू फॉर द पिज्जा, ठीक है। बस गाइस मैं यही कहता हूँ, एक बार आपको प्रेफर करता हूँ कि आप एक बार आके आप भी टेस्ट करो, एंड अंकल जैसे आप मेहनत कर रहे हो बस करते रहो, और जल्दी से एक शॉप खोल लो बस, और कुछ नहीं, और बहुत चलने वाला। थैंक यू भैया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। ये वाले भैया भी बहुत हेल्प कराते हैं, एंड ये वाले भैया जो सबको पिज्जा जाके देते हैं। सो आप दोनों को कैसा लगा पिज्जा? वेरी टेस्टी, डिलीशियस, वेरी क्रिस्पी। बढ़िया लगा पापा? बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, तो गाइस आप जाके एंजॉय करो थोड़े से ड्रोन शॉट्स, उसके बाद मिलते हैं। आपको वीडियो तो पसंद आई होगी, ठीक है, एंड ड्रोन शॉट्स भी अच्छे लगेंगे। जैसे कि आपने देखा मेरा इंट्रो नया था, आउट्रो भी नया, जाके देखो इसके बाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी एक कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, विजिट करो वहाँ पे। और क्या करना? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पापा कह रहे हैं एक लाइक, तो पापा ने बोला इसलिए एक लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।